नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार एक लिस्ट बना रही है, लिस्ट अधिकारियों की बन रही है, लेकिन ये लिस्ट उन अधिकारियों की नहीं बन रही है जिनको महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी जाए, बल्कि एक ऐसी लिस्ट तैयार हो रही है जिन अधिकारियों को तैनाती नहीं देनी है। अब इसके क्या कारण है, ये बड़े स्पष्ट हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक आदेश हुआ और राज्य के एक विवादास्पद अधिकारी को महत्वपूर्ण पद पर पुनर्नियुक्ति दे दी गई। जब मीडियाबाजी हुई, अखबारबाजी हुई, तो सरकार की किरकिरी हुई और मुख्यमंत्री स्तर से उस फैसले को खारिज करना पड़ा, उस फैसले को पलटना पड़ा। लेकिन तब तक सरकार की और विभाग की कई उच्च अधिकारियों की भी किरकिरी हो चुकी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय, कार्मिक विभाग खास तौर पर और खुद मुख्यमंत्री थोड़े से सतर्क हुए और एक निर्देश जारी किया गया शासन में कि सारे विभाग, सारे पूरे राज्य में जितने भी विभाग हैं, उन विभाग के प्रमुखों को एक आदेश जारी हुए कि वो ये बताएं कि उनके विभाग में ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके की जांच चल रही है। वो विजिलेंस जांच हो सकती है, वो विभागीय जांच हो सकती है, कुछ प्रकरण कोर्ट में भी हो सकते हैं। ऐसी सारी लिस्ट, ऐसे सारे विवादास्पद अधिकारियों की लिस्ट मुख्यमंत्री ने अपने पास मंगवाई है। अब इसका स्पष्ट कारण हमको समझ में आया है, जो मैंने पहले बता दिया कि एक विवादास्पद अधिकारी की नियुक्ति हो गई थी, वो एक प्रकरण था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में किसी दागदार या विवादास्पद अधिकारी को महत्वपूर्ण नियुक्ति न मिल जाए, इसलिए कार्मिक विभाग सतर्क रहे, उसके पास सारे अधिकारियों की जानकारी हो, मुख्यमंत्री कार्यालय सतर्कता से कोई भी फाइल को देखे, विवादास्पद अधिकारियों की स्क्रूटनी अलग कर दी जाए और मुख्यमंत्री के पास सारे विवादास्पद अधिकारियों की लिस्ट हो। वित्त विभाग ने सबसे पहले अपने 24 अधिकारियों की लिस्ट कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दी, जो होते हुए मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंच चुकी है। 24 वित्त विभाग के अधिकारी ऐसे हैं, अलग अलग सर्विसेज के, कोई स्टैंप का है, कोई टैक्स का है, कोई फाइनेंस सर्विसेज का है, कोई फाइनेंस कंट्रोलर है, वित्त नियंत्रक है, ऐसे ऐसे 24 अधिकारियों की फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। इनमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं और कुछ बिल्कुल रिटायरमेंट के नजदीक भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी कई और विवादास्पद अधिकारियों की फाइल पहुंचने वाली है और उसके बाद इन अधिकारियों की एक अलग लिस्ट बन जाएगी। इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती शायद न दी जाए, इस तरीके की बात स्पष्ट रूप से होने लगी है। तो अब देखना यह है, ऐसे कितने अधिकारियों की लिस्ट बनती है, ऐसे कितने अधिकारी होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति से बाहर रखा जाता है, और ऐसे कौन से अफसर होंगे जिन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। वैसे महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण अधिकारियों की तैनाती सरकार बनते ही तुरंत हो जाती है और समय समय पर वो नियुक्तियां होती रहती हैं, लेकिन शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है उत्तराखंड के, जब जिन अधिकारियों को नियुक्ति नहीं देनी है उनकी एक अलग से लिस्ट तैयार की जा रही है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।